I would like to request the government, the central government, to direct the RBI to consider the moratorium declared by the Kerala government and ensure that the banks don't threaten the farmers with recovery notices. The Prime Minister also made certain commitments 5 years ago to the farmers of this country on prices, on farm loans, on other issues. नहीं नहीं बोल रहा हूँ, खत्म कर रहा हूँ सर, खत्म कर रहा हूँ. And आपने जो बात अभी जीरो कुछ नहीं बोल रहा हूँ, जवाब दे रहा हूँ, इनका जवाब दे रहा हूँ. आप So the farm, the there is a terrible situation of farmers in this country. The Prime Minister has made commitments to these farmers. So I would request the government of India to fulfill these commitments. Thank you. माननीय रक्षा मंत्री जी. माननीय अध्यक्ष जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि यहां तक किसानों की स्थिति का प्रश्न है. यह साल, दो साल, चार पांच साल के अंदर ही किसानों की दयनीय स्थिति नहीं हुई है. लंबे समय तक जिन लोगों ने सरकार चलाई है, किसानों की दयनीय स्थिति के लिए वे लोग जिम्मेदार हैं. लेकिन मैं कहना चाहता हूं, जब से श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यहां पर सरकार बनी है, बराबर किसानों की आमदनी को दोगुना करने के लिए उनके द्वारा प्रयत्न किए जा रहे हैं. और मैं पूरे विश्वास के साथ और दावे के साथ कह सकता हूं अध्यक्ष महोदय, कि जितना मिनिमम सपोर्ट प्राइस 5 वर्षों के अंदर हमारे प्रधानमंत्री ने बढ़ाने का काम किया है, आजाद भारत के इतिहास में किसी भी सरकार ने मिनिमम सपोर्ट प्राइस को नहीं बढ़ाई है. इतना ही नहीं, बल्कि किसान मानधन योजना के अंतर्गत सारे किसानों को चाहे उनके पास कितनी भी जमीन क्यों न हो, 6,000 रुपया की धनराशि देने का जो निर्णय हम लोगों ने किया, उसे हम लोगों ने लागू भी किया. एक रिपोर्ट के आधार पर मैं बताना चाहता हूं कि उससे किसानों की 20-25% की इनकम की वृद्धि हुई है. अध्यक्ष महोदय, ये हमारी ऐसी पैया सरकार है जिससे कि किसानों के लिए बहुत कुछ अभी हमें करना है, लेकिन बहुत कुछ किया है. और सबसे ज्यादा सुसाइड यानी किसानों ने की है, तो इससे पहले की है अध्यक्ष महोदय. लेकिन 5 वर्षों के अंदर सुसाइड का नंबर मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि कम हुआ. माननीय सदस्य, प्लीज माननीय सदस्यगण, जब आपके माननीय सदस्य ने कोई मुद्दा उठाया है तो माननीय मंत्री जी का जवाब भी सुनना चाहिए. मैंने आउट ऑफ टर्न परमिशन दिए तो आपको जवाब भी सुनना चाहिए. ये तरीका ठीक नहीं है. आपको